गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे जियो की उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कार्ल हार्शोफर ने जो जियो से संबंधित बातें कही हैं उनके क्या विचार रहे हैं उनके बारे में और जियो का जो पॉलिटिक्स का जो इतिहास रहा है उसके बारे में तो कार हर्षोफर जो हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो जर्मनी भू राजनीतिक के विचारधारा के प्रवर्तक थे और भू राजनीति का जो इतिहास रहा है वो अगर हम देखें कि भू राजनीति जो है वो विचारधारा अस्तित्व में कैसे आई तो सन अठारह सौ इकहत्तर में एटीन सेवेंटी वन में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी जो था वो बहुत तेज़ गति से विकास के पथ पर अग्रसर था और यूरोपीय महाद्वीप का जो एक बड़ा और प्रभावशाली राज्य बन गया था साथ ही वह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्ति बनता जा रहा था बन गया था और देश में क्या था कि बेहतर श्रम उपलब्ध था तकनीकी विकास भी उन्नत अवस्था में थी और एक समय ऐसा आया कि वो जो ब्रिटेन का जो जो ब्रिटेन जो कि एक औद्योगिक देश था सबसे शक्तिशाली था उसको वो टक्कर देने की स्थिति में पहुंच गया और अंत में क्या हुआ कि जो तात्कालीन मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था थी उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जर्मनी की जो भागीदारी थी वो तीव्र गति से बढ़ने लगी और इसकी वजह से क्या हुआ ब्रिटेन जो था उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो संकट की स्थिति में आ गई उसके ऊपर संकट उत्पन्न हो गया इन परिस्थितियों के बीच में क्या हुआ कि ब्रिटेन जर्मनी की द्वितीय सॉरी प्रथम युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई जर्मनी की हार हुई जर्मनी की हार होने के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति समझौता किया गया उसकी जो शर्तें रखी गई उनके अनुसार जर्मनी जो था उसकी एक तरह से उसकी कमर तोड़ दी गई और जर्मनी साम्राज्य का जो अधिकार क्षेत्र था उसको बहुत अधिक संकुचित कर दिया गया उसे छोटी छोटी राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया गया जिससे क्या हुआ जर्मनी की जो राष्ट्रवादी आत्मगौरव और उसकी अस्मिता थी उसको बहुत अधिक ठेस लगी और वहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे नेता थे उनका जो मनोबल था वो टूट गया अब क्या हुआ कि युद्ध के पश्चात देश के राजनेताओं का जो गौरव विलुप्त होता जा रहा था आ, उसको वापस कैसे लाया जाए कैसे लोगों में जर्मनी देश के राष्ट्र प्रेम जो है देश प्रेम जो है उसकी भावना को उसके गौरव को कैसे लाया जाए इसके लिए रेडजेल की जो राज्य संबंधी जैविक परिकल्पना है और रुडोल्फ कैजलन की भू राजनीतिक की अवधारणा जो थी इसकी और लोगों का ध्यान जो है वो गया ध्यान आकर्षित हुआ और इसके साथ ही उन्होंने मैकेंडर की जो संकल्पना है जिसको कि हम हार्टलैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं उससे भी जर्मनी के जो नेता थे जो राजनेता थे वो प्रभावित हुए उससे आकर्षित हुए और उन्होंने रेडजल की राज्य संबंधी जैविक परिकल्पना कैजलिन की भू राजनीतिक अवधारणा और मैकेंडर के हृदय क्षेत्र की जो अवधारणा थी उनको इन्होंने जर्मनी के क्षेत्र विस्तार का आधार बनाया उनको इसमें जर्मनी के क्षेत्र विस्तार के लिए आधार मिला, आधार मिला दिखाई दिखाई दिया मार्ग दिखाई दिया मार्ग अब धीरे-धीरे क्या हुआ भूराजनेती जो है उसका स्वरूप भू सामरिकता ने ले लिया जियो स्ट्रैटेजी ने ले लिया काल हाशोफर जो है वो जर्मनी की सेना में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और 1908 में क्या हुआ वो सैनिक कार्य से उन्हें जापान भेजा गया और जापान जब वो गए तो उन्होंने प्रशांत महासागर में स्थित अनेक जो नौसैनिक केंद्र थे अड्डे थे उनके बारे में अध्ययन किया और वो जापान की राजनीति से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए और इसी समय उन्होंने जर्मनी का जो हार्टलैंड थ्योरी है जो कि उन्होंने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में दी है उसको पढ़ा और अनुमान लगाया कि जर्मनी जो है वो अगर हार्टलैंड के साथ मिल जाए तो विश्व शक्ति बन सकता है और उन्होंने राज्य एक जीव है और विकास उसका नियम है इस विचारधारा को विस्तृत रूप से अपनी बुक में जर्मन बुक थी उनकी जे शेफर जियोपोलिटिक में उन्होंने बताया जिसका प्रकाशन उन्होंने उन्नीस में किया यानी कि जो हार्शोफर है इन्होंने ये विचारधारा दी राज्य एक जीव है और विकास करना उसका नियम है ये रुडोल्फ सॉरी कार हार्शोफर ने ऐसा कहा इन्होंने बताया अब क्या हुआ उन्होंने उन्नीस सौ चौबीस में म्यूनिख में उन्होंने भू राजनीतिक संस्थान की स्थापना करी जहां से कि शोध पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी और ये जो शोध पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी इनमें जो लेख होते थे वक्तव्य होते थे उनके माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात जो राष्ट्रीय हताशा उत्पन्न हो गई थी उसको समाप्त करने के लिए देश में नागरिकों में जर्मनी की क्षेत्र विस्तार संबंधी आवश्यकताओं की न्यायसंगतता के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें जर्मनी के गौरव को वापस प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक सहायता मिली और लोगों में जागरूकता इसके द्वारा फैलाई जाने लगी हिटलर जो हुए वो स्वयं भी राजभू राजनीतिक विचारधारा के पोषक थे उनका भी मत यही था कि जर्मनी को क्षेत्रीय विस्तार करना चाहिए और अपनी शक्ति का उन जर्मनी को संगठन करना चाहिए हाशोफर जो हैं उन्होंने मैकिंडर का जो हार्टलैंड संबंधी मानचित्र था उसका एक संशोधित निरूपण के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयत्न किया कि यूरोपीय भूखंड के मध्य में उन्नत और प्राचीन संस्कृतियों वाला एक विशाल क्षेत्र ब्रिटेन और उसकी सहयोगी सामुद्रिक शक्तियों द्वारा खड़ी गई घेराबंदी का शिकार हो रहा है इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल था दक्षिणी पश्चिमी यूरोप दक्षिण पश्चिम दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी व पूर्वी एशिया देश शामिल थे इस योजना के अनुसार इस क्षेत्र के सभी देशों को एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए ऐसा आ, उन्होंने कहा अब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि काल हार्शोफर और उनके जो संस्थान का नाजी शासकों की नीति निर्धारण प्रक्रिया से बहुत निकट का संबंध स्थापित हुआ किंतु युद्ध में जर्मनी की फिर पराजय हुई और विध्वंस के साथ ही राजनीतिक विचारधारा का भी अवसान हो गया और भू शब्द को जो था उसको द्वितीय युद्ध के पश्चात राजनीतिक भूगोल की जो शब्दावली थी उसी से बाहर कर दिया गया किंतु का फी वर्षों के बाद 1980 के दशक में भू राजनीति शब्द पुनः चर्चा में आने लगा और अब इसका प्रयोग जो है वो क्षेत्रीय परिदृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक और राजनीतिक संभावनाओं के आंकलन के संदर्भ में किया जाता है अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो भू राजनीति जो है ये एक संकुचित विचारधारा थी जिसका कि विस्तारवाद को जिसने आधार माना और इसने एक तरह से युद्ध को प्रोत्साहन दिया यह मुख्य रूप से जर्मनी तक ही सीमित थी और जर्मनी की जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी उसके पश्चात जर्मनी का जो गौरव विलुप्त हो रहा था उसको वापस लाने के मार्ग की खोज में ये एक साधन मात्र थी अब अगर हम देखें कि भू राजनीति जो है और राजनीतिक भूगोल इन दोनों में आ, क्या डिफरेंसेस हैं वो अगर हम बात करें तो भू राजनीति जो है उसका क्षेत्र संकुचित है जैसा कि हमने अभी बात करी इसके बारे में और राजनीतिक भूगोल जो है ये काफ़ी विस्तृत स्थान रखता है इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है भू राजनीति जो है वो मात्र विस्तार को प्रधानता देती है दूसरे राज्यों को हड़पने उनके ऊपर अपनी विजय स्थापित करने को प्रधानता देती है जबकि राजनीतिक भूगोल जो है वो राज्य के क्रमिक विकास को जो कि क्षेत्र की, की भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा स्वतः होता है को प्रधानता देती है भू राजनीति जो है वो राजनीतिक तथ्यों पर आधारित है एवं उनकी भौगोलिक व्याख्या का प्रयत्न करती है जबकि राजनीतिक भूगोल मूल रूप से मूलतः तत्वों को प्रधानता देती है तथा उनके आधार पर राजनीतिक व्याख्या करती है ठीक है अब राजनीतिक भूगोल जो है भू राजनीति जो है उसमें मात्र विस्तारवाद को प्रधानता दी गई और ये संकुचित विचारधारा थी जबकि राजनीतिक भूगोल जो है वो भौगोलिक तथ्यों का वास्तविक विश्लेषण कर सत्यता को प्रतिपादित करता है आ, इस प्रकार भू राजनीति जो है ये टॉपिक हमारा पूरा होता है आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा भू राजनीति जो है उसका कैसे विकास हुआ और जर्मनी में किस प्रकार से जर्मन भूगोल वेताओं ने भू राजनीति का सहारा लिया प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार के पश्चात वापस खड़े होने का वापस लोगों में गौरव को वापस लाने के लिए एक मार्ग के रूप में एक पथ के रूप में भू राजनीति की विचारधारा जो है उसको उन लोगों ने लिया थैंक यू